ओके गाइस, सो दिस इज रितेश भाटी एंड दिस इज एडिटोरियल ऑफ कोड फोर्सेस राउंड ग्लोबल राउंड 8 क्वेश्चन बी. ओके, सो बिफोर दिस अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो, एंड फर्दर क्वेश्चंस के एडिटोरियल्स भी आपको लाइव कॉन्टेस्ट के मिलते रहेंगे और कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग रिलेटेड वीडियोज मिलते रहेंगे. ओके, सो व्हाट वाज आर क्वेश्चन इज कि हमारे पास एक स्ट्रिंग है जो कोड फोर्सेस. ओके, और हमें एक स्ट्रिंग ऐसी देनी है जिसकी जो सब सीक्वेंस है, ठीक है, अगर इस स्ट्रिंग से सब सीक्वेंस बनाओगे तो एटलीस्ट दिस नंबर ऑफ सब सीक्वेंस कोड फोर्सेस होने चाहिए उस स्ट्रिंग में, ठीक है. तो अगर आप ये वाला सब सीक्वेंस देखो तो एटलीस्ट इसमें 3 कोड फोर्सेस हैं. पहला ये लोगे, फिर दूसरा इस वाले एस के साथ लोगे और तीसरा लास्ट एस के साथ लोगे, ठीक है. तो दिस वॉज आर क्वेश्चन. अब बेसिकली क्या होता है, हमने ये देखा और हम क्या करेंगे कि बिना ये देखे कि के की वैल्यू 10^16 है, हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ एस उसमें बढ़ाते चले जाएंगे और वो हमें टीएलई दे देगा. तो फर्स्ट अप्रोच मेरी भी यही थी, बट उसके बाद एक चीज़ हम क्या देख सकते हैं, चलो शॉर्ट में मैं बताता हूँ. कोड कोड फोर्सेस. ओके, इनिशियली क्या है, इनिशियली आपके सारे कैरेक्टर की फ्रिक्वेंसी 1 है, ठीक है. तो आप क्या कर सकते हो, इससे खाली एक सब सीक्वेंस ढूंढ सकते हो जिसका कोड फोर्सेस होगा, ठीक है. सेकेंड, अगर आप इसमें क्या करते हो, एक सी बढ़ा देते हो, ठीक है. अब आपके कैरेक्टर, एक सेकेंड, अगर आप क्या करते हो, एक सी बढ़ा देते हो, ठीक है. अब आपका इससे कितने बना सकते हो कोड फोर्सेस, एक आप इसको लेके बना सकते हो और एक आप इस कैरेक्टर को और इसको लेके बना सकते हो, ठीक है. तो जब हमने सी की फ्रिक्वेंसी 2 कर दी तो हम कितने कोड फोर्सेस बना सकते हैं, 2, ठीक है, फाइन. अब हमने क्या किया, ओ की भी फ्रिक्वेंसी 2 कर दी अगर, ठीक है, तब क्या होगा हमारा, हम कितने कोड फोर्सेस बना सकते हैं, तब हम 4 कोड फोर्सेस बना सकते हैं. कैसे, ये एंड दिस वन, एक ये हो गया, एक ये लिया एंड एक ये सीओ ले लिया और एक एक कोड फोर्सेस ले लिया. एंड आप क्या कर सकते हो, एक आपने ये सी ले लिया और ये ओ ले लिया और ये कोड फोर्सेस, तो फॉर एक और यहाँ से निकल आएगा. तो मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ कि जब हमने सी की फ्रिक्वेंसी 2 कर दी, ओ की फ्रिक्वेंसी 2 कर दी एंड बाकी सारे की फ्रिक्वेंसी अभी भी 1 है, ठीक है, तो हमारे कितने हो गए, 4 हो गए टोटल सब सीक्वेंस जिसमें कोड फोर्सेस मिल सकता है. तो अगर हम एक एरे बना लें, ठीक है, जिसमें इसमें एक सी ओ डी ई एफ कोड फोर्सेस, ठीक है, कोड फोर्सेस हो गया. हम अगर सी की पॉसिबिलिटीज़ कितनी हो गई यहाँ पे, 2. ओ की पॉसिबिलिटीज़ कितनी हो गई, 2. डी की सारी, बाकी सारी की पॉसिबिलिटी 1 है, ठीक है. तो टोटल नंबर ऑफ सब सीक्वेंसेज इससे कितने बन सकते हैं, इन सब का मल्टीपल दैट इज इक्वल्स टू 4, ठीक है. अगर आप फ्रिक्वेंसी इसकी भी बढ़ा देते हो, 2 कर देते हो, ठीक है, और सबकी 2 कर देते हो, मान लो सबकी फ्रिक्वेंसी आपने 2 कर दी है, तो अब टोटल नंबर ऑफ सब सीक्वेंसेस जो कोड फोर्सेस हैं वो कितने हो जाएंगे, 2^10 ऑब्वियसली, ठीक है. तो हम अपने सब सीक्वेंस ऐसे बढ़ाएंगे, ना कि अपने सब सीक्वेंस ऐसे बढ़ाएंगे कि हमने ऐसे ऐड कर दिया, ठीक है. इस तरह में हमें क्या होगा, हमारी स्ट्रिंग की लेंथ कम से कम होगी बट सब सीक्वेंस बढ़ते चले जाएंगे. तो क्योंकि जैसे स्ट्रिंग में हम कितना कैरेक्टर स्टोर करवा सकते हैं, मैक्सिमम 10^5, तो उसके लिए आपने ये किया, ठीक. तो अब हम क्या करेंगे, अपनी एक बस एक एरे बना लेंगे, फ्रिक्वेंसी एरे इनिशियली जिसकी फ्रिक्वेंसी 1 होगी, एंड उसके बाद हम क्या करते जाएंगे, हर बार इसका एक इंक्रीमेंट करवाएंगे, ओके, एरे के किसी भी उसमें, और उसके बाद क्या करेंगे, अपना मल्टीपल लेंगे, और जैसे ही मल्टीपल इज लेस देन देन मल्टीपल, अनटिल आर मल्टीपल इज लेस देन
के, जैसे ही मल्टीपल ग्रेटर देन के होगा वहीं पर लूप ब्रेक कर देंगे। ओके सो कोड दिखा देता हूँ आपको, समझ में आ जाएगा। व्हाट वी हैव डन हियर इज इंट के एंड इनपुट के, देन वी हैव टेकन सम, यू कैन से दिस नंबर ऑफ सब सीक्वेंसेस, ठीक है, जिसकी वैल्यू कोड फोर्सेस है, इनिशियली वो वन ही होगा ऑब्वियसली। एंड देन टेम्प, टेम्प में हम क्या ले रहे हैं, अपना वो इंडेक्स जिसको हमें इंक्रीज कराना है। देन ए इज इक्वल्स टू 10, जिसमें हम अपनी कोड फोर्सेस एरे के फ्रिक्वेंसी डालेंगे, ठीक है। हमने इनिशियली सबको वन कर दिया है, बिकॉज इनिशियली हमारा कितना बन सकता है, ऑब्वियसली वन सब सीक्वेंस, ठीक है। देन वॉट वी हैव डन इज अनटिल आर सम इज लेस देन के, और वी कैन से दैट नंबर ऑफ सब सीक्वेंस इज लेस देन के, जब तक हम अपना लूप चलाएंगे। एंड वॉट वी हैव डन हियर इज हमने फर्स्ट किसी टेम्प की किसी हम किसी भी इंडेक्स की वैल्यू इंक्रीज कर सकते हैं, ओके सो वो कोई इशू नहीं है। बस हम क्या चेक करेंगे कि लास्ट में हमारा जो टेम्प है वो आउट ऑफ बॉन्ड ना हो, 10 से ज़्यादा ना हो, ओके सो हमने टेम्प की इंक्रीज की वैल्यू एक बार, फिर हमने टेम्प की वैल्यू चेंज कर दी प्लस 1 करके मॉड 10 कर दिया। ये आप करना चाहें तो करें, नहीं तो क्या करना है, आप एक ही की इंक्रीज करा सकते हैं, ठीक है। बट एक ही की इंक्रीज कराने से क्या होगा, वही आपका वही एस वाला केस बन जाएगा, ठीक है। तो आपकी स्ट्रिंग की वैल्यू इंक्रीज ना हो लेकिन उसकी फ्रिक्वेंसी इंक्रीज हो, इसलिए आप क्या करेंगे, बार बार अलग अलग इंडेक्स पे इंक्रीज करवाएंगे, इसलिए हम बार बार प्लस वन कर रहे हैं, ठीक है। देन व्हाट वी हैव अगेन, हमने अपने सम को वन इनिशियलाइज किया, मतलब नंबर ऑफ सब सीक्वेंसेस को, फिर हमने क्या किया, सारी फ्रिक्वेंसीज का मल्टीप्लाई ले लिया सम में और वापस लूप हमारा चला दिया। अब फिर से चेक करेंगे, नंबर ऑफ सब सीक्वेंस कम है अगर, तो वापस से किसी एक इंडेक्स पे उसके नेक्स्ट इंडेक्स पे इंक्रीमेंट करेगा और वापस से सम चेक कर लेगा, ठीक है। फिर हमने क्या किया, हमारे पास सारे कैरेक्टर्स की फ्रिक्वेंसी आ गई जो हमें प्रिंट करवाने हैं। फिर हमने क्या किया, अपना लूप चलाया आई से 10 तक, 10 कैरेक्टर्स का, और एआई पे हमारी हर कैरेक्टर की फ्रिक्वेंसी है उतने टाइम्स एस ऑफ आई प्रिंट करवाते गए। एंड दिस इज़ आर क्वेश्चन डी। सो थैंक यू गाइस फॉर दिस वीडियो, फर्दर क्वेश्चन का एडिटोरियल भी डाल दूंगा मैं, and if you have not subscribed, subscribe, okay, thank you.